अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार कर रही है। मूवी हर दिन नई रिकॉर्ड बना रही है। आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने बुधवार को रक्षाबंधन की छुट्टी पर लगभग 71% का सुधार दिखाया और लगभग 8.75 करोड़ की कमाई की। रिलीज के 22वें दिन बाद फिल्म की कमाई 474.5 करोड़ रुपए हो गई है। गदर 2 ने 11 अगस्त को 40 करोड़ की ओपनिंग और पहले हफ्ते में ही 284 करोड़ का कलेक्शन करने के बाद गदर 2 पठान के बाद साल की सबसे बड़ी भारतीय कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताह में 134 करोड़ और जोड़ लिए और अब कुछ ही दिनों में 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए तैयार है। उम्मीद है कि यह घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने के लिए पठान के साथ साथ बाहुबली द कंक्लूजन को भी पीछे छोड़ देगी। गदर 2 उस हिट फिल्म का सीक्वल है जो 2001 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में सनी देओल ने एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह की भूमिका निभाई थी, जबकि अमीषा पटेल ने विभाजन के दौरान सेट की गई फिल्म में उनकी प्रेमिका सकीना की भूमिका निभाई थी। 1947 में भारत की गदर 2 तारा सिंह का अनुसरण करती है, क्योंकि वह अपने बेटे को बचाने के साहसी प्रयास में सीमा पार करता है, जिसका किरदार उत्कर्ष शर्मा ने निभाया है, जो पाकिस्तान में पकड़ लिया गया है। गदर 2 बॉक्स ऑफिस। फिल्म इंडस्ट्री ने सनी देओल के कई सहयोगियों ने भी गदर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की सराहना की। शाहरुख खान ने ट्विटर पर अपने फैंस के साथ बातचीत के दौरान कहा था कि उन्हें सनी देओल की फिल्में बहुत पसंद आई हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।